प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में एक और तमगा जड़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को जायद पदक से सम्मानित करने का ऐलान किया है। जायद पदक यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री को यह सम्मान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए मिला है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ट्वीट करके ये घोषणा की है। उन्होंने लिखा है कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक भूमिका से इस रिश्ते को और बढ़ावा मिला है। उनके प्रयासों की सराहना में यूएई के राष्ट्रपति उन्हें जायद पदक प्रदान करते हैं। जायद मेडल राष्ट्र प्रमुखों को दिया जाने वाला यूएई का सबसे बड़ा सम्मान है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति को ये पदक मिल चुका है। ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं इस सम्मान को बेहद विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व के चलते हमारे रणनीतिक संबंध नई ऊंचाई पर पहुँचे हैं। ये दोस्ती दोनों देशों के साथ लोगों के लिए शांति और समृद्धि में योगदान दे रही है। ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ रणनीतिक साझेदारी के नए युग और इस्लामिक देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों की शुरुआत करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आपको बता दें, इससे पहले फरवरी में पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं।